Good morning, dear students. Today we will read chapter 2, Bob Dylan, The Voice of a Generation from English Alive Course Book Class 7. Basically, this is speech and biography. This lesson jo hai speech or biography. So let's start. Read Bob Dylan's Nobel Prize speech and his biography. इस चैप्टर में हम जैसा कि मैंने बताया आपको स्पीच और बायोग्राफी दोनों हैं तो हम इसमें बॉब डिलन जो है उनके नोबल प्राइज स्पीच पढ़ेंगे और उनकी बायोग्राफी भी पढ़ते हैं बॉब डिलन इज एन अमेरिकन सॉन्ग राइटर सिंगर पेंटर एंड राइटर बॉब डिलन जो थे वो अमेरिका के सॉन्ग राइटर गीतकार थे और सिंगर थे गायक थे पेंटर थे और राइटर भी थे फॉर ओवर फाइव डिकेट्स ही हैज़ इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड ऑफ पॉपुलर म्यूज़िक एंड कल्चर उन्होंने लगभग पाँच दशक तक यानी कि पचास साल तक जो पॉपुलर वर्ल्ड है पॉपुलर म्यूज़िक और कल्चर का उसे बहुत इन्फ्लुएंस किया प्रभावित किया इन 2016, द दी देन सेवेंटी फाइव ईयर ओल्ड बॉब डीलन वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर फॉर हैविंग क्रिएटेड न्यू पोइटिक एक्सप्रेशंस विद इन द ग्रेट अमेरिकन सॉन्ग ट्रेडिशन जो बॉब डीलन थे जिन उन्होंने दो हज़ार सोलह में जब वो पिछत्तर साल के थे सेवेंटी फाइव बच्चों दी देन होता है उस समय उस समय दो हजार सोलह में वो पिछत्तर साल के थे और उन्हें अवार्ड किया गया था नोबल प्राइज लिटरेचर में किस लिए किया था फॉर हैविंग क्रिएटेड न्यू पोएटिक एक्सप्रेशन उन्होंने नए नए जो पोएटिक अपने काव्य के एक्सप्रेशंस जो है सॉन्ग में डाले थे विद इन द ग्रेट अमेरिकन सॉन्ग ट्रेडिशन क्लियर बॉब डिलन डिड नॉट गो इन पर्सन टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट्स कुछ पहले से ही उनकी प्रायर कमिटमेंट थी कहीं और उन्हें जाना था कुछ और अटेंड करने के लिए इसीलिए वो इस नोबल प्राइज़ जो सेरेमनी थी इसमें वो नहीं जा पाए बच्चों यहाँ पर एक वर्ड है इन पर्सन इन पर्सन का मीन्स है फिजिकली वो नहीं जा पाए हिज बैंकेट स्पीच वॉज गिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू स्वीडन अजीता राजी एट द नोबल बैंकेट ऑन टेन दिसंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन दस दिसंबर दो हज़ार सोलह को उस दिन नोबल बैंकेट बच्चों बैंकेट में आपको बता देती हूँ बैंकेट मीनिंग यहाँ पर है फॉर्मल डिनर विद स्पीच जैसे कोई डिनर है और वहाँ पे स्पीच भी है टोस्ट भी है तो उसे बैंकेट कहते हैं इस बैंकेट स्पीच जो उनकी स्पीच थी वो यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेडर ने दिया था स्वीडन अजीता राजी को रीड हिज स्पीच एंड बायोग्राफी टू नो मोर अबाउट बॉब डिलन तो आइए मिस्टर बॉब डिलन के बारे में पढ़ते हैं उनकी स्पीच और उनकी बायोग्राफी बैंकेट स्पीच अब वो बैंकेट स्पीच जो उन्होंने दी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है गुड इवनिंग एवरी वन आई एक्सटेंड माई वॉमेस्ट ग्रीटिंग्स टू द मेम्बर्स ऑफ स्वीडिश अकेडमी एंड टू ऑल दर डिस्टिंग गेस्ट इन द अटेंडेंस टू नाइट बच्चों यहाँ पर मीनिंग है आउटस्टैंडिंग रिनॉन्ड तो उन्होंने जैसे अपनी स्पीच स्टार्ट की है तो उसमें उन्हें वो बोलते हैं गुड इवनिंग एवरी और मैं अपना जो वार्म ग्रीटिंग्स है मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और अभिवादन करता हूँ स्वीडिश एकेडमी का के मेंबर्स का और उन सभी जो यहाँ पर गेस्ट आए हैं जो आउटस्टैंडिंग गेस्ट हैं आज की जो ये फंक्शन अटेंड कर रहे हैं आई एम सॉरी आई कांट बी विद यू इन पर्सन मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं फिजिकली आप लोगों के साथ आज इस सेरेमनी में उपस्थित नहीं हूं बट प्लीज़ नो दैट आई एम मोस्ट डेफिनेटली विद यू इन स्पिरिट एंड ऑनर टू बी रिसीविंग सच अ प्रेस्टिजियस प्राइज प्रेस्टिजियस होता है बच्चों हैविंग अ हाई रेपुटेशन बहुत सम्माननीय uh, यहाँ पे प्रेस्टिजियस प्राइज है बहुत सम्माननीय प्राइज तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं आप सब के साथ नहीं हूँ लेकिन मैं ये भी बट प्लीज़ नो दैट आई एम मोस्ट डेफिनेट लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि मैं आपके साथ मेरा जो ऑनर है जो मेरे सम्मान है और इस प्रेस्टिजियस प्राइज़ को रिसीव करने में वो आप सबका धन्यवाद Being awarded the Nobel Prize for Literature is something I never could have imagined or seen coming. लेकिन Nobel Prize वो भी लिटरेचर में साहित्य में मिलना बहुत अजीब बात है मेरे लिए क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे लिटरेचर में नोबल प्राइज़ मिल सकता है फ्रॉम एन अर्ली एज आई हैव बीन फैमिलियर विद एंड रीडिंग एंड एब्जॉर्बिंग द वर्क्स ऑफ who were डीम्ड वर्दी ऑफ सच अ distinction. डीम्ड बच्चों यहाँ पर मीनिंग है कंसीडर्ड किसी चीज़ को कंसीडर करना एक बहुत कम उम्र से ही मैं फैमिलियर हो गया था और रीड करता था और एब्जॉर्ब करता था उन सभी कामों को जो जो इसके कंसीडर वर्ड थी सच जिसको जिन्हें इन सब के इतना महत्व मिलना चाहिए जैसे किपलिंग शॉ थॉमस मैन बर्ल बर्क एल्बर्ट कैमस हैमिंग वे ये सभी पोइट्स के राइटर्स के नाम हैं जो उन्होंने यहाँ पर मैंशन किए हैं दीज जाइंट्स ऑफ लिटरेचर होज वर्क आर टॉट इन द स्कूल रूम ये जो जाइंट्स हैं ये जो महान विभूतियाँ हैं जो साहित्य की जिनका नाम मैंने अभी अभी बताया है जिनका काम जो है स्कूल रूम में पढ़ाया जाता है स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है हाउस इन लाइब्रेरीज उनके नाम की बुक्स होती हैं चैप्टर्स होते हैं लाइब्रेरीज़ में अराउंड द वर्ल्ड पूरे संसार में एंड स्पोकन इफ इन रेवरेंट टर्न्स हैव ऑलवेज मेड आ डीप इम्प्रेशन बच्चों यहाँ पर रिवरेंट जो है उसका मतलब है डीप रिस्पेक्ट तो इन सभी के लिए जो इतना अराउंड द वर्ल्ड इतने प्रस्टिजियस है लोग हैं जिनका काम बहुत अच्छा रहा है उन सब के लिए मेरे दिल में डीप रिस्पेक्ट है टर्नस हैलवेज मेड अ डीप इम्प्रेशन दैट आई नाव जॉइन द नेम्स ऑन सच अ लिस्ट इज़ ट्रूली बियड वर्ल्ड और इन सभी के साथ अब मेरा नाम भी जुड़ गया है इस लिस्ट में तो ये मैं मेरे शब्दों से परे है मैं वो शब्द सच में नहीं बोल सकता आई डोंट नो इफ दीज मैन एंड वुमेन एवर थाट ऑफ द नॉबल ऑनर फॉर देम सेल्स मैं नहीं समझता कि ये सभी जो आदमी हैं पुरुष और महिलाएँ हैं कि इन्होंने कभी नोबल प्राइज़ का अपने लिए सोचा होगा बट आई सपोज दैट एनी वन राइटिंग अ बुक लेकिन मैं मानता हूँ कि जब भी कोई कोई किताब लिखता है और अ पोयम या कोई कविता लिखता है और अ प्ले या कोई प्ले लिखता है एनी वेयर इन द वर्ल्ड कहीं भी संसार में माइट हार्बर दैट सीक्रेट ड्रीम डीप डाउन इनसाइड हार्बर यहाँ पर बच्चों हैं पॉजेज हार्बर मीन्स पॉजेज तो वर्ल्ड जो है संसार जो है उसे पॉजेज करता है वो सीक्रेट ड्रीम एक रहस्य में रहस्यमय उनके सपना है जो उनके अंदर दबा हुआ है इट्स प्रॉबेबली बर इट सो डीप ये शायद इतना गहराई में दबा हुआ है दैट दे डोंट ईवन नो इट इज़ देर शायद वो नहीं जानते कि हमारे दिल में इतना बड़ा सपना कहीं दबा हुआ है If someone had ever told me that I had the slightest chance of winning the Nobel Prize, I would have to think that I would have about the same odds as, as standing on the moon. Agar mujhe thoda bhi Idea Huta. The slightest chance of winning mujhe स्लाइटेस्ट है बच्चों यहाँ पर स्मॉलेस्ट बहुत छोटा सा चांस अगर मुझे यहाँ पर नोबल प्राइज़ का जीतने का मुझे बता दिया गया होता तो मैं सोचता आई वुड हैव अबाउट द सेम ऑट सेट मुझे ऐसा लगता कि मैं किसी चांद पर खड़ा हूँ इन फैक्ट ड्यूरिंग द ईयर आई वॉज़ बोर्न बल्कि जो जिस साल में मैं पैदा हुआ एंड फॉर अ फ्यू ईयर्स आफ्टर और उसके कई साल बाद भी देयर वॉज एंट एनी वन इन द वर्ल्ड हु वॉज़ कंसिडर्ड गुड एनफ टू विन दिस नोबल प्राइज़ और मेरे पैदा होने के और मेरे आ, पैदा होने के कुछ सालों बाद तक भी वहाँ पर संसार में ऐसा कोई नहीं था जो कि कंसिडर कर सके नोबल प्राइज़ को जीतना सो आई रिकोगनाइज दैट आई एम वेरी रेयर कंपनी टू से द लीस्ट इसलिए मैं ऐसा रिकॉग्नाइज करता हूँ कि मैं बहुत रेयर हूँ रेयर कंपनी आई एम इन अ वेरी रेयर कंपनी तो मैं बहुत रेयर कंपनी में हूँ एटलीस्ट इतना तो मैं कह सकता हूँ रेयर होता बच्चों एक्सेप्शनल आई वॉज ऑन द रोड वैन आई रिसिव दिस सरप्राइजिंग न्यूज़ मैं जिस समय मुझे ये खबर मुझे मिली कि मुझे नोबल प्राइज़ मिलने वाला है तो मैं उस टाइम रोड पर था एंड इट टुक मी मोर देन अ फ्यू मिनट्स टू प्रॉपरली प्रोसेस इट और मुझे कुछ मिनट से ज़्यादा का समय मुझे लगा इस खबर को इस जो न्यूज़ थी वो मुझे प्रॉपरली प्रोसेस करने का मतलब इतना विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे नोबल प्राइज़ मिलने वाला है आई बिगैन टू थिंक अबाउट विलियम शेक्सपियर मैं सोचने लगा विलियम शेक्सी शेक्सपियर के बारे में द ग्रेट लिटरेरी फिगर जो एक महान विभूति थे साहित्य के क्षेत्र में आई वुड रेकॉन ही थाट ऑफ हिमसेल्फ एज अ ड्रामेटिस्ट मैं रेकॉन रेकॉन है टू बी ऑफ द ओपिनियन मेरा मानना था कि वो सोचते थे अप, आ, खुद को ड्रामेटिस्ट द था थॉट दैट ही वॉज राइटिंग लिटरेचर कूडन हैव एंटर्ड हिज हैड और जो उनके विचार थे जो लिखते थे साहित्य वो उनके कैसे दिमाग में उनके आते होंगे हिज वर्ड्स व रिटर्न फॉर द स्टेज वो कैसे सोच पाते थे कि ये जो वो प्ले लिख रहे हैं या कुछ भी नावल लिख रहे हैं तो ये जो उनके वर्ड्स हैं वो स्टेज के लिए बने हैं मैन टू बी स्पोकन नाट रीड बल्कि वो जो वो लिख रहे हैं वो बोलने के लिए बने हैं ना कि पढ़ने के लिए वेन ही वॉज़ राइटिंग हैमलेट जब ये शेक्सपियर के बारे में सोच रहे हैं कि जब शेक्सपियर ने हेमलेट लिखी थी आई एम श्योर ही वॉज़ थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स तो मैं इस बारे में श्योर हूँ कि वो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचा होगा हो वर् द राइट एक्टर्स फॉर दीज रोल्स उन्होंने क्या क्या सोचा होगा कि इन रोल्स के लिए जो ये किरदार हैं हेमलेट में इनके लिए कौन कौन से एक्टर्स सही रहेंगे हाउ शुड दिस बी स्टेज ये कैसे ये ड्रामा है कैसे स्टेज पर होगा डू आई रियली वॉन्ट टू सेट दिस इन डेनमार्क क्या मुझे सच में इसकी जो ड्रामा uh, को डेनमार्क में दिखाना चाहिए इस क्रिएटिव विज़न एंड एम्बिशंस वर नो डाउट एट द फोर फ्रंट ऑफ हिज माइंड और जो उनकी क्रिएटिव विज़न थी जो उनके एम्बिशंस थे वो नो no डाउट कोई भी उसमें संदेह नहीं है कि वो बहुत दूरदर्शिता उनके दिमाग ने सोची बट दे आर फॉर ऑल्सो मोर मंडेन मैटर्स टू कंसिडर एंड डील विथ लेकिन बहुत सारे और भी ऐसे मैटर्स हैं ऐसे किस्से हैं या इश्यूज हैं जिनको कंसिडर और उनके साथ डील करना पड़ा होगा बच्चों मंडेन हेयर मीन्स वेरी ऑर्डनरी एंड डल इज़ द फाइनेंसिंग इन प्लेस क्या ये फाइनेंसिंग प्लेस में होगा आर देयर एन एफ गुड सीट्स फ़ॉर माई पैटर्नस पैटर्नस होता है बच्चों फैंस जो उनके फैंस हैं क्या उनके लिए एनअफ़ सीट्स होंगी वेयर एम आई गोइंग टू गेट अ ह्यूमन स्कल मुझे ह्यूमन स्कल कहाँ से मिलेगा आई वुड बेट दैट द फारदेस्ट थिंग फ्रॉम शेक्सपियर्स माइंड वॉज द क्वेश्चन और मैं मानता हूँ कि उनकी जो फारदेस्ट थिंग होगी शेक्सपियर्स के माइंड में उन्होंने क्या सोचोगा फारदेस्ट हेयर मीन अलॉन्ग वे उनके दिमाग में ये आया होगा कि क्या ये एक लिटरेचर है वेन आई स्टार्टड वेन आई स्टार्टिड राइटिंग सॉन्ग्स एज अ टीनेजर जब मैं टीनेजर था तो जब मैंने गाने जब लिखना शुरू किया था गीत एंड इवन आई स्टार्टिड टू अचीव सम रिनोन फॉर माई एबिलिटीज़ रिनोन होता है बच्चों फेम जब मैं प्रसिद्धि अपनी एबिलिटीज़ के लिए पाने लगा था माई एस्परेशन्स एस्परेशन एम्बिशंस मेरे जो ख्वाब थे जो सपने थे फॉर दीज सॉन्ग्स ओनली वेंट सो फार और इन गानों के लिए आई थाट दे कुड बी हर्ड इन कॉफ़ी हाउसेज मुझे लगा था कि जो मैं गीत गाता हूँ गाना गाता हूँ ये सिर्फ कॉफ़ी हाउसेज में सुने जाएंगे और बार्स या फिर बार्स में मे बी लेटर इन प्लेसिस लाइक कैरनेज हॉल या फिर किसी कैरनेज हॉल में सुने जाएंगे द लंडन पैलेडियम इफ़ आई वॉज़ रियली ड्रीमिंग बिग अगर मैं सच में कुछ बड़ा ड्रीम करता सपना लेता मे आई कुड इमेजिन गेटिंग टू मेक तो मैं ये भी सोच सकता था अ रिकॉर्ड एंड देन हियरिंग माय सॉन्ग्स ऑन द रेडियो और मैं अगर बहुत बड़ा कुछ सपना देखता इससे ज़्यादा कि हाँ बार्स और बार्स और कॉफ़ी हाउसेज़ के अलावा अगर मेरे गाने कहीं सुने जाएंगे तो वो हो सकता है किसी रेडियो पे सुने जाएँ हेयर इज द पिक्चर ऑफ बॉब डिल ही वॉज परफॉर्मिंग इन टोक्यो नाइनटीन नाइनटी सिक्स इन टोक्यो दिस वॉज द कंसर्ट ओके बच्चों फिर वो कहते हैं कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा अगर ड्रीम बढ़ा लिया होगा तो मैं इतना सोच सकता था कि रेडियो पर मेरा गाना बज सकता है डैट वॉज रियली दिग प्राइज इन माई माइंड वो सबसे बड़ा मेरे दिमाग में प्राइज़ था कि इतना बड़ा अगर कुछ हो जाता तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा प्राइज होता मेकिंग रिकॉर्ड्स एंड हियरिंग योर सॉन्ग्स ऑन द रेडियो मैं दैट यू आर रीचिंग अ बिग ऑडियंस अब आपका कुछ रिकॉर्ड आपके बन रहे हैं और आपको अगर रेडियो पे सुना जा रहा है इसका मतलब है कि आपकी ऑडियंस आप बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुँच चुके हैं एंड दैट यू माइट गेट टू कीप डूइंग व्हाट यू हैड सेट आउट टू डू और फिर आप शायद वो सब कर सकते हैं जिसका आपने करने के लिए सोचा होगा वेल आई हैव बीन डूइंग वट आई सेट आउट टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम लेकिन मैंने जो मैं जो कर रहा हूँ जो मैंने सेट किया है वो मैं बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ ना अब मैं कर रहा हूँ आई हैव मेड डजन्स ऑफ रिकॉर्ड्स मैंने दर्जनों रिकॉर्ड्स बना दिए हैं एंड प्लेड थाउजेंड्स ऑफ कंसर्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड और पूरे संसार में मैंने हजारों जो हैं वो कंसर्ट भी किए हैं बट इट्स माई सॉन्ग दैट आर एट द वाइटल सेंटर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी थिंग आई डू लेकिन ये जो मेरे गीत हैं ये एक वाइटल सेंटर पर हैं ऑलमोस्ट जो मैंने अभी तक किया है वाइटल है बच्चों असेंशियल जरूरी दे सीन टू हैव फाउंड अ प्लेस इन द लाइफ ऑफ मैनी पीपल थ्रू आउट मैनी डिफरेंट कल्चर्स एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर देट और उनको लगा उन्होंने मेरा जो स्थान है वो पा लिया है बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स में और मैं इसके लिए तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ बट देयर इज़ वन थिंग आई मस्ट से लेकिन एक चीज़ है जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा एज अ परफॉर्मर आई हैव प्लेड फॉर फिफ्टी थाउजेंड पीपल एक परफॉर्मर होने के नाते मैंने पचास हज़ार लोगों के लिए प्ले किया है एंड आई हैव पेड फॉर फिफ्टी पीपल और मैंने पचास लोगों के लिए भी प्ले किया है एंड आई कैन टेल यू दैट इट इज़ हार्डर टू प्ले फ़ॉर फिफ्टी पीपल और मैं आपको बता सकता हूँ कि सिर्फ पचास लोगों के लिए गाना या परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है फिफ्टी थाउजेंड पीपल हैव अ सिंगुलर परसोना नॉट सो विद फिफ्टी जो फिफ्टी थाउजेंड लोग हैं उनके लिए एक सिंगुलर परसोना है लेकिन जो पचास लोग हैं उनके लिए नहीं Each person has an individual, separate identity of world unto themselves. har हर एक इंसान की एक अलग पहचान है उनकी एक अलग वर्ल्ड है उनका वो अपने आप में ही उनका एक संसार है They can perceive perceive, परसीव मतलब होता है बच्चों अंडरस्टैंड समझना दे कैन परसीव थिंग्स मोर क्लियरली वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं योर ऑनेस्टी एंड हाउ इट रिलेस्ट रिलेट्स टू द डेप्थ ऑफ योर टैलेंट इज़ ट्राइड कि आपकी जो ईमानदारी है वो किस तरीके से जो आपके टैलेंट की गहराई है उसको किस तरीके से आपने कोशिश की है द फैक्ट दैट द नॉबल कमेटी इज़ सो स्मॉल इज़ नॉट लॉस्ड ऑन मी सच्चाई तो ये है कि जो नॉबल कमेटी है वो इज़ सो स्मॉल इज़ नाट लॉस्ड ऑन मी But like Shakespeare, I too am often occupied with the pursuit of my creative endeavors. And dealing with all aspects of life's mundane matters, लेकिन शेक्सपियर की तरह मैं भी कभी कभी occupied, occupied मतलब busy हो जाता हूँ with the pursuit of my creative endeavors. Endeavors होता है hard attempts to achieve a goal किसी चीज़ को पाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं That is एंडिवर्स तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं एंड डीलिंग विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ्स मंडे इन मैटर्स जो जिंदगी के बहुत जरूरी और सिंपल सिंपल चीज़ें हैं मैटर्स हैं वो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ उनको साथ भी डील करना पड़ता है हु आर द बेस्ट म्यूजिशियंस फॉर दिस सॉन्ग्स इन सब के लिए कौन म्यूजिशियंस जो होंगे वो बेस्ट होंगे एम आई रिकॉर्डिंग इन द राइट स्टूडियो क्या मैं सही स्टूडियो uh, में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इज दिस सॉन्ग इज़ द राइट की क्या ये गाना क्या सही की है सम थिंग्स नेवर चेंज कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती इवन इन फोर हंड्रेड ईयर्स इवन चार सौ साल में भी कोई चीज़ कभी नहीं बदलती नॉट वंस हैव आई एवर हैड द टाइम टू आस्क माई सेल्फ आर माई सॉन्ग्स लिटरेचर और जबकि कभी भी मैंने अपने आप से ये नहीं पूछा कि मेरे गाने जो हैं क्या वो एक लिटरेचर है? हैं साहित्य हैं सो आई डू थैंक द स्वीडिश अकेडमी इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ स्वीडिश अकेडमी का बोथ फॉर टेकिंग द टाइम टू कंसिडर ये कंसिडर करने के लिए दैट वेरी क्वेश्चन ये जो मेरा क्वेश्चन है आर माई सॉन्ग्स लिटरेचर इसको कंसिडर करने के लिए एंड अल्टीमेटली फॉर प्रोवाइडिंग सच अ वंडरफुल आंसर और एक बहुत अच्छा आंसर प्रोवाइड करने के लिए माई बेस्ट विशेज़ टू यू और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप सबके लिए बॉब डिलन तो ये उनका स्पीच था बॉब डिलन इज़ द फर्स्ट म्यूजिशियन टू विन द नोबल प्राइज बॉब डिलेन जो थे वो पहले ऐसे म्यूजिशियन थे जिन्होंने नोबल प्राइज जीता डिलन बॉन्ड रॉबर्ट एलन जिमर मन इन नाइनटीन फोर्टी वन इन मीनसोटो मीनोस्टा बिगेन एज अ फोक सिंगर वो शुरू में उन्होंने उन आ, फोक सिंगर के रूप में काम किया एक लोक गीत गीतकार होके और उनका नाम था रॉबर्ट एलन सिमरमन और उनका जन्म हुआ 1941 में द सन ऑफ अ स्टोर ओनर और जो उनके पिताजी थे वो एक स्टोर ऑनर थे ही टॉट हिमसेल्फ टू प्ले द हारमोनिका गिटार एंड पियानो एट अनरली एज और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने हारमोनियम गिटार और पियानो बजाना सीख लिया था इन द नाइनटीन सिक्सटीज़ विद द हारमोनिका एंड द एक्स्टिक गिटार डिलन रेस्ट हिजस अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस 1960 के दशक में 1960 में एक हारमोनिया हारमोनीम और एक एक्स्टिक गिटार के साथ बॉब डिलन ने अपनी आवाज़ उठाई जिसके खिलाफ सोशल इनजस्टिस सामाजिक इन के खिलाफ वॉर एंड रेसिज्म एंड बी केम अविल राइट कैंपेनर और उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ भी आवाज उठाई और वो एक सिविल राइट कैंपेनर बन गए बच्चों कैंपेनर क्या होता है अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज दैट आर इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट अ सोशल और पोलिटिकल चेंज ही रिकॉर्डेड एंड अस्टानिशिंग थ्री हंड्रेड सॉन्ग्स इन हिस्स फर्स्ट थ्री अपने पहले तीन साल में उन्होंने 300 गाने जो हैं वो रिकॉर्ड किए इंक्लूडिंग द क्लासिक ब्लाइंग इन विंड और ये जो क्लासिक है उनका ब्लाइंग इन विंड इसको इंक्लूड करके इन 1963, सिक्सटी sang ही the एट द आइकॉनिक the फॉर द सिविल African अफ्रीकन अमेरिकन वेयर मार्टिन लूथर किंग जूनियर his इज हिस्टोरिक आई हैव अ speech. उन्नीस में उन्होंने गाना गाया ए आइकॉनिक प्रोसेशन सिविल राइट्स अफ्रीकन अमेरिकन जो वॉर चल रहा था वहाँ पर जहाँ पर जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे उन्होंने अपनी ऐतिहासिक स्पीच दी थी कौन सी स्पीच आई हैव अ ड्रीम स्पीच डेलन गेन्ड नोटिस विथ हिज उनको नोटिस मिला उसके लिए एंडर राइटर ऑफ एंटी वॉर एंड सिविल राइट मूवमेंट डिलन मूव ऑन टू रॉक एंड रोल एंड अब डिलन ने मूव किया रॉक एंड रोल एंड अमेज लिस्नर्स विद हिज इंटरप्रिटेशन और जो लिसनर्स थे उन्हें उन्होंने बहुत हैरान कर दिया अपनी इंटरप्रिटेशंस ऑफ लिटरेचर साहित्य के जो इंटरप्रटेशन्स थे उनके साथ एंड फोक ट्रेडिशन जो लोक पारंपरिक चीज जो गीत थे उनके साथ इंटरप्रिटेशंस होता है बच्चों ओपिनियंस ऑफ व्हाट समथिंग मीन्स किसी चीज किसी का ओपिनियन किसी के विचार किसी उनका क्या मीनिंग है डीलन्स सॉन्ग डील सॉन्ग विच आर प्रोज पोएम्स डिलन के सॉन्ग जो थे वो प्रोज पोएम्स थे विद लेयर्स ऑफ इनर मीनिंग उनके जो अंदरूनी मीनिंग थे जो मतलब था उनका कविताओं का आर इंस्टेंटली रिकोगनीबल बाय हिज डिस्टिंगटिव नेजल और जो उनके जो उनकी पोयम्स के लेयर थे जो उनका अंदरूनी मीनिंग था वो एकदम से रिकोगनाइज़ किए जाते थे इस उनके जो डिस्टिंक्टिव नेजल ट्वेंग नेजल ट्वेंग होता है अ क्वालिटी ऑफ वॉइस प्रोनाउंस्ड बाय द ब्रीथ रिजोनेटिंग इन द नोज नासिका से आपकी जो नाक है उससे जो फोनेटिक्स वोकल्स निकालना नेजल ट्वेंग कहलाता है अ गिटारिस्ट हु प्लेड विद हिम वन सेड एक गिटारिस्ट ने जो उनके साथ काम करता था उनके साथ गिटार प्ले करता था उन्होंने एक बार कहा वर्किंग विद हिम वॉज लाइक नोइंग शेक्सपियर उनके साथ काम करने का मतलब है कि आप शेक्सपियर को जानोगे द इमेजरी ऑफ मिस्टर टेम्बोरीन मैन इज़ ब्यूटिफुल और जो एक काल्पनिक मिस्टर टेम्बोरिन मैन है वो बहुत ही सुंदर था वो जो उनका गीत है उसका टाइटल था एंड इस रियली पोईट्री और वो सच में एक बहुत अच्छी काव्य रचना थी डीलन इन अ करियर ऑफ मोर देन फिफ्टी ईयर्स ऑल्सो एक्सप्लोरड ब्लूज़ एंड जेज़ और जो डीलन ने अपने पचास साल के कर कर में एक्सप्लोर भी किया ब्लूज और जेज़ ये डांस के फॉर्म्स होंगे बच्चों जेज़ आपके चेक कर सकते हैं गूगल में इन द लेट नाइनटीन सेवेंटीज़ और 1970 के दशक में डिल एंड डिक्लेयर दैट ही हैड अ स्पिरिचुअल रीबर्थ उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनका जो स्पिरिचुअल आत, आत्मिक रीबर्थ हुआ है एंड टर्न टू रिलीजन अगेन फिर वो अपने धार्मिक उसमें खो गए ही रिलीज थ्री एल्बम्स ऑफ रिलीजियसली इंस्पायर्ड सॉन्ग्स और उन्होंने तीन एल्बम्स अपने निकाले जो धर्म धर्म पर आधारित थी इंस्पायर थी ऐसे गीत उन्होंने लिखे इन 1980, 1980 में ही अर्नड हिज फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड फॉर द सॉन्ग गोटा सर्व साम्बडी और जो उन्हें उन्होंने अर्न किया अपना पहला अपना पहला ग्रैनी अवार्ड ग्रैमी अवार्ड किस सॉन्ग के लिए गोटा सर्व साम्बडी इन द ईयर्स ही वॉन्ट मैनी मोर अवार्ड्स और उसके बाद आने वाले कई वर्षों तक उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते डीलन हैज नेवर बीन अ कन्फॉर्मिस्ट कन्फॉर्मिस्ट होता है बच्चों अ पर्सन हु फॉलोज ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट इन फेबरवरी टू थाउजेंड टेन ही परफॉर्म द टाइम्स दे आर चेंजिंग फरवरी 2010 में उन्होंने परफॉर्म किया द टाइम्स दे आर अ चेंजिंग बैग्ड बाय जस्ट अ पियानो एट द वाइट हाउस फॉर अ कंसर्ट ऑनरिंग द म्यूजिक फ्रॉम द सिविल राइट्स मूवमेंट और सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए उन्होंने जो म्यूजिक देना था वो व्हाइट हाउस कंसर्ट में उन्होंने दिया हेयर इज़ वट प्रेजिडेंट ओबामा हैड टू से प्रेजिडेंट ओबामा ओबामा ने यहाँ पर क्या कहा ही वुडेंट कम टू द रिहर्सल वो रिहर्सल के लिए नहीं आए बॉब डिलन ही डिडन्ट वॉन्ट टू टेक पिक्चर विद मी और वो मेरे साथ पिक्चर भी नहीं लेना चाहते ही केम इन वो आए एंड प्लेड द सॉन्ग और उन्होंने गीत गाया ही फिनिश इज द सॉन्ग उन्होंने सॉन्ग फिनिश किया स्टेप ऑफ द स्टेज और स्टेज से नीचे आ गए आई एम सिटिंग राइट इन द फ्रंट रो मैं बिल्कुल फ्रंट रो में बैठा था काम्स आप वो आए शेक्स माई हैंड मुझसे हाथ में लाया सॉट ऑफ टिप्स हिज हैट गिस्म मी जस्टा लिटल ग्रीन और मुझे हल्की सी एक मुस्कान दी एंड देन लिव्स और फिर वो चले गए एंड देट वॉज इट और बस इतना ही था आई थाट देट्स हाउ यू वॉन्ट बॉब डीलन राइट और मैं समझता था मैंने सोचा कि ये हैं बॉब डीलन जिनको हम सब चाहते थे

वो एक रियल ट्रीट थी कि आप उन्हें वो हल्का सा यू डोंट वांट हिम टू ऑल ग्रेनिंग विथ यू वो सभी के साथ ग्रेनिंग नहीं हो पाए और बस इतना ही मिले वो मिस्टर ओबामा से एंड ही लीव फ्रॉम द कंसर्ट वैंडिलंस नोबल प्राइज विन वाज अनाउंस्ड देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्राम हिम फॉर टू वीक्स जब बॉब डीलन का नोबल प्राइज जो वो जीते उसको जब अनाउंस किया गया तो जब तक दो हफ्तों तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ही डिड नॉट ट्रेवल टू स्टॉक होम फॉर द प्राइज सेरेमनी और वो स्टॉक होम भी ट्रेवल उन्होंने नहीं किया प्राइज सेरेमनी के लिए पैटी स्मिथ एन अदर सेलिब्रेटेड फोक म्यूजिशियन एक्सेप्टेड द प्राइज एंड परफॉर्म डीलन सॉन्ग और जो पैटी स्मिथ थे जो एक और सेलिब्रेटेड फोक म्यूजिशियन थे उन्होंने प्राइज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने परफॉर्म किया डीलन्स का सॉन्ग कौन सा गाना अ हार्ड रेनिंग अ गॉन ऑफ फॉल डीलन हैज स्टिल डेट फॉलोड हिज ऑन पाथ और जो डिलन है अभी तक अपना आज तक भी अपना पाथ फॉलो करते हैं दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों थैंक यू वेरी मच